नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी 24 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 24 में से एनडीए ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आरजेडी के खाते में 6 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट गई है। वहीं निर्दलीय ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। एनडीए को हासिल 13 सीटों में बीजेपी ने 7, जेडीयू ने 5, जबकि पशुपति पारस की आरएलजेपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया है। तो आपको बता दें कि 24 विधान पार्षद सीटों के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय ने 4 पर कब्जा जमाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटों पर विजयी हुए हैं। चौबीस सीटों की जंग में एनडीए का पड़ला भारी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दिखाया दम। जीत के जश्न की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। पटना की एमएलसी सीट पर आरजेडी के कार्तिक कुमार ने जीत दर्ज की है। कार्तिक बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी हैं। जीत को मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके समस्या, उनका जितना भी समस्या होगा वही दूर करने के लिए हम लोग को चुना है। उनका जितना होगा उठाएंगे, सुरक्षित स्थान तक पहुँचाएंगे। जेडीयू तीसरे नंबर पे चली गई, जाना ही था, पहले भी पहले से पता था। हम तो कहवे किया था कि दो नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो दोनों। आरा की तस्वीरें देखिए। आरा बक्सर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण साह की जीत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। बिहार में जो विकास हो रहा है, लगातार विकास का गति जो तेज है, गवर्नमेंट सरकार का पूरा श्रेय है और हमारे भोजपुर और बक्सर में जन प्रतिनिधियों का श्रेय है जो हमको आशीर्वाद रूप में होगा उपयोग किए। किशनगंज में बीजेपी की जीत का जश्न देखिए। पूर्णिया अररिया किशनगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। अपने स्वरूप को बताया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई भी सेवा नहीं है। जाति से उठकर, पंथ से उठकर और अपने मानव सेवा को जो काम किए, आज उसी का नतीजा है जो भारी मतों से उन्होंने जीता है। ये जीत जो है इंसानियत की है। सर्वप्रथम सभी जो प्रतिनिधि हैं, जो मतदान कर्मी थे, उन सभी को धन्यवाद। आज ये जीत दिखा रहा है तीन जिलों में, जो सीमांचल में जो है कमल हम लोग का खिला है। दिलीप जायसवाल जी की ये हैट्रिक हुई है। आज किशनगंज पूरे सीमांचल में जो खुशी का माहौल है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों से शायद वो जीते हैं। हाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। वैशाली सीट से एनडीए उम्मीदवार भूषण राय की जीत पर उनके समर्थक खुशियों में डूबे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से उन दोस्तों का, रिलेटिव्स का और यहाँ नव निर्वाचित वैशाली जिला के नव निर्वाचित सदस्यों का, जिन्होंने आज मुझे आज हाजीपुर का एमएलसी बनाने का काम किया है। उन्होंने अपना समर्थन प्यार दुलार दिया है। भागलपुर बांका सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार विजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। तरीके से विकास करूंगा, प्रतिनिधियों का साथ साथ भागलपुर और बांका जिले का भी विकास में जितनी योगदान होगा। मुजफ्फरपुर सीट पर जेडीयू के दिनेश सिंह ने जोरदार जीत दर्ज की है। इनकी ये चौथी जीत है। चार बार लड़े हैं, चारों बार बिहार में सबसे अधिक वोट से जीते हैं। पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी सबसे पहला बिहार का रिजल्ट मेरा हुआ है और सबसे अधिक मत से जीते हैं। नालंदा की तस्वीरें देखिए। जेडीयू उम्मीदवार रीना यादव एक बार फिर विजयी रही। इन्होंने भी जीत की हैट्रिक लगा दी। और जिस तरह से लोगों के बीच में सुख दुख बांटने का काम करते हैं और हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलने का काम करते हैं, तो मेरे ख्याल है कि इन सब बातों से ओतप्रोत होकर के हमारी जो जनता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने फिर से एक बार सोचा कि रीना यादव को उम्मीदवार के रूप में हम लोग चुनाव जिताएं। ये तस्वीरें छपरा की हैं। सारण सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सचिदानंद राय ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो अपने दमखम पर मैदान में उतरे। बड़ी खुशी है कि हमारे सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि वही निर्णय लिए जो पिछले 5 महीने 6 महीने से मुझे बता रहे थे, इसलिए ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जीत है। सर्वप्रथम एमएलसी चुनाव की 24 सीटों पर 187 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। बीजेपी जेडीयू की एकजुटता बाकी दलों पर भारी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमएलसी चुनाव में जीत के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के दावे जब
नतीजे में बदले तो उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। आपको जश्न की 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। कटिहार, गया, समस्तीपुर, भागलपुर, छपरा, सिवान, पटना, मोतिहारी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीत के बाद समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से जब नतीजे उनके उम्मीदवार के पक्ष में आए तो किस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया। कहीं गुलाल लगाए गए तो कहीं फूलों की माला पहनाई गई, कहीं डांस किया गया तो कहीं पटाखे चलाए गए। कुछ और तस्वीरें हैं जश्न की, 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि शेखपुरा, मधुबनी, बेगूसराय, किशनगंज की ये तस्वीरें हैं। देखिए कि जश्न में कोई कमी नजर ना आए, इसकी भी पूरी तैयारी है। शेखपुरा में किस तरीके से जश्न में डूबे हैं समर्थक, मधुबनी में, बेगूसराय में और किशनगंज में ठीक इसी तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। सासाराम में बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार ने 684 मतों से जीत हासिल की। संतोष कुमार ने आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को हरा दिया है। बीजेपी के संतोष कुमार सिंह को 3052 मत मिले जबकि आरजेडी उम्मीदवार को 2368 वोट मिले। रोहतास कैमूर के मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं कि पहली बार जो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में इस कई लोग प्रत्यक्ष रूप से लगे थे, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं। और एक बार पुनः ये सुशासन की सरकार सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी के नेतृत्व काल में जो सरकार चल रही है, जो पंचायत को जिन्होंने सशक्त बनाया, ताकतवर बनाया और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि इस पे विश्वास करते हुए और आपके स्नेह